दंतेवाड़ा में आज सुरक्षा बल के जवानों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़, एक महिला माओवादी समेत दो माओवादी की मौत। रेलवे और आपूर्तिकर्ता के बीच तालमेल बढ़ाने रायपुर रेल मंडल में आज आपूर्तिकर्ता सम्मेलन का आयोजन। कोरबा में यातायात जागरूकता अभियान से लोगों को जोड़ने पुलिस कर रही गांधीगिरी, ठंडा पानी और बिस्किट खिलाकर यातायात नियमों के पालन का कर रही अपील। और बढ़ते हुए तापमान के कारण हीट वेव की स्थिति, प्रदेश में लू के हालात अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं रेहाना और अब समाचार विस्तार से। दंतेवाड़ा में आज तड़के सुरक्षा बल के जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक महिला माओवादी समेत दो माओवादी मारे गए। मुठभेड़ की जानकारी देते हुए दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि सुकमा और दंतेवाड़ा के बीच गोंडेरास के जंगल में यह मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में करीब 10 महिला कमांडो शामिल थी। माओवादियों की अगुवाई भी महिला कमांडो ही कर रही थी। उन्होंने बताया कि दंतेवाड़ा पुलिस ने विशेष रणनीति के तहत मुठभेड़ के दौरान क्षेत्र के मोबाइल नेटवर्क को बंद कर दिया था, जिसके कारण माओवादियों तक मुठभेड़ की सूचना नहीं पहुंच सकी और जवानों को बिना किसी नुकसान के बड़ी सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि जंगल के बीच में माओवादियों के कैंप है। इस पर डीआरजी और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से जंगल की घेराबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। बजे ठीक सूचना पे कि गोंडेरास में करीब 70 से 80 नक्सली, जिसमें कि श्याम दादा एसजेडसी, विनोद देवा और एक सुकमा से आई हुई बटालियन की एक प्लेटून वहाँ पे स्थित है और दंतेवाड़ा में बड़ी घटना करने के लिए उनकी प्लानिंग चल रही है। इसको देखते हुए दंतेवाड़ा डीआरजी 1, 2, 3, 4, 5, एसटीएफ बारपुर, एसटीएफ पालना और महिला प्लेटून निकाली गई। फटीक सूचना पे हमने रात में गोंडेरास को घेर लिया और फर्स्ट लाइट पे हमने धावा बोला। तगड़ा एक्सचेंज ऑफ फायर करीब आधे घंटे चला, जिसमें कि एक महिला नक्सली वर्दीधारी इंसाफ के साथ ढेर हुई। एक 12 बोर भी मिला, शायद पुरुष नक्सली मारा गया, उसको खींच के ले जाने में शायद सफल हुए। तो दो हथियार और एक महिला नक्सली इंसाफ के साथ जो है रिकवर हुई है। अभी उस एरिया में आसूचना की जा रही है कि जो मरा हुआ नक्सली पुरुष है उसको भी रिकवर किया जाए। इंसाफ ऑटोमेटिक वेपन पूरे दरबार डिवीजन में केवल 22 है, तो जो सभी कम से कम 5 लाख एरिया कमेटी डीवीसी लेवल के लोग ही उसको होल्ड करते हैं। निश्चित रूप से बटालियन नंबर 1 की भी महिला हो सकती है, 8 लाख की नामी, इसके भी क्योंकि हम शिनाख्त नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि बटालियन की महिला होगी। उसकी शिनाख्त अभी जैसे ही आएंगे हम सुकमा फोटो भेजेंगे तो उसकी शिनाख्त हो पाएगी। निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना स्थल से भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस इलाके की सर्चिंग तेज कर दी गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में आज वेंडर मीट यानी आपूर्तिकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। रायपुर रेल मंडल के डीआरएम कौशल किशोर ने इस सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस आयोजन के जरिए रेलवे और आपूर्तिकर्ता के बीच सामंजस्य और पारस्परिक समन्वय क्षमता में वृद्धि की कोशिश की जा रही है। टू वे प्रोसेस है, जैसे रेल के हमारे दो पहिए होते हैं, दो ट्रैक रेल के होते हैं, दोनों का अपना अपना महत्व होता है। एक तरफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, दूसरी तरफ हमारे वेंडर्स हैं। हम दोनों का जो कोऑर्डिनेशन रहेगा वही एक बेटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। इस उद्देश्य से हम लोगों ने इट इज ए टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स नीड। वेंडर्स को रेलवे का क्या रिक्वायरमेंट है वो पता चलता है और रेलवे को हमें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा मोटो है, मेक इन इंडिया मोटो है, उसके प्रति हमें उनको जो समस्याएं आती हैं उनको हम सिंप्लीफाई करने के प्रोसेस के उद्देश्य से हम लोगों ने ये मीट ऑर्गेनाइज की है। सीआईआई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष नरेंद्र गोयल ने बताया कि सम्मेलन में नए वेंडर्स को जोड़ने पर भी जोर दिया गया।
प्रोग्राम है ये CII के बैनर में रोड शो का प्रोग्राम है जो दिल्ली में 18-19 तारीख को है, और इससे जो रेलवे में जो कनेक्टिविटी आज कुछ रिमोट एरियों में नहीं है, और जो माल ढुलाई की वजह से माल ढुलाई में कुछ एरियों में रेल ना होने की वजह से वहाँ से उसका विकास नहीं हो पा रहा है, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं और कनेक्टिविटी के लिए भी है। और ये जो वेंडर मीट है आज यहाँ पर, उसमें देखना ये होता है कि जो हमारे क्वालिटी ऑफ सप्लायर्स हैं, जिसके लिए हम कभी कभी अपने सप्लायर्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की क्वालिटी वेंडर्स की ग्लोबल मीट में ग्लोबल क्वालिटी को हम मैच नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो और अच्छे सक्सेस हो और हमारी क्वालिटी डेवलप हो और लोकल जो सप्लायर्स हैं, हमारे जो वेंडर्स हैं, वो अच्छी अच्छी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करें और सेफ्टी के हिसाब से क्वालिटी को मेंटेन करें। वहीं PCMM के AS वानखेड़े ने कहा कि सम्मेलन के दौरान रेलवे के उपयोग में आने वाली सामग्रियों का प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही सभी की आवश्यकताओं के मद्देनजर वेंडरशिप को व्यवस्थित करने पर भी चर्चा की गई। वेंडर जो होते हैं हमारे परचेज प्रोसेस में इक्वल पार्टनर्स होते हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तो हमारी जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट है सेफ्टी को अच्छे से समझाने के लिए ये काफ़ी अच्छा फोरम है। हमने यहाँ पर काफ़ी आइटम डिस्प्ले कर दी है लोगों के बेनिफिट के लिए, कुछ देख के वो अपना क्या उनके पास फैसिलिटी है वी कैन डेवलप द फैसिलिटी, और उनको गाइडेंस कर सके कि कौन इंस्पेक्शन करता है, कैसे इंस्पेक्शन होता है, कौन सी एजेंसी कौन सा आइटम इंस्पेक्ट करती है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे RDSO है, CLW है, राइट्स है, ये सब इनका इंस्पेक्शन करती है, तो इंस्पेक्शन में कितनी कठिनाई होती है वी कैन अंडरस्टैंड इन बेटर मैनर। सम्मेलन में रेलवे के सभी क्षेत्रों के आपूर्तिकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाली पुलिस को देखकर जहां आम लोगों को दहशत होती है, वहीं अपनी छवि के उलट कोरबा पुलिस गांधीगिरी के जरिए लोगों को यातायात नियमों के पालन की सीख दे रही है। हाथ में डंडे की जगह ठंडा पानी और बिस्किट का पैकेट लेकर लोगों से हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने की अपील करते हुए पुलिस के जवान कोरबा के हर चौक चौराहों पर नजर आ रहे हैं। इन्हीं जवानों में से एक यातायात विभाग के ASI वैभव तिवारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक SP मीणा के निर्देश पर लोगों को एक दोस्त की तरह सड़क हादसों में हुई मौतों के आंकड़ों से परिचित कराते हुए उनसे यातायात नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। व्यक्ति की अकाल मृत्यु दुर्घटना के कारण ना हो सर, इस कारण में ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जो हेलमेट नहीं लगा रहते हैं सर, उनको निवेदन करते हैं सर कि आप हेलमेट लगाइए और शुद्ध जल उनको पिलाते हैं सर, गर्मी का समय है इसलिए। पुलिस कप्तान महोदय का सोच है सर कि यातायात नियम पालन करने के लिए इसको जागरूकता अभियान की तरह हमको चलाना है सर। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग अपनी इस पहल के जरिए यातायात जागरूकता अभियान को सफल बनाने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के कटहल की मांग अब देश के उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बंगाल और मध्य प्रदेश में भी बढ़ती जा रही है। प्रदेश का जशपुर जिला इन राज्यों को कटहल निर्यात करने में अग्रणी बना हुआ है। जशपुर की जलवायु कटहल के अनुकूल है। पौष्टिक तत्वों से भरपूर और खाने में लजीज कटहल छत्तीसगढ़ के शाकाहारी परिवारों में बेहद उम्दा सब्जी के रूप में पसंद किया जाता है। उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक RAS भदौरिया ने बताया कि जशपुर में 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कटहल की खेती की जा रही है। उन्होंने बताया कि यहां करीब 1200 मीट्रिक टन कटहल का उत्पादन होता है। हेक्टेयर एरिया में जो है किसानों के द्वारा जो है अपने निजी उपयोग के लिए या जो है व्यवसायिक स्तर से जो है इसकी खेती की जा रही है, और इससे अनुमानित जो है 1100 से लेकर 1200 मीट्रिक टन तक का उत्पादन होता है। चूँकि यहाँ की फसल अन्य जिलों की अपेक्षा थोड़ा पहले आती है, तो यहाँ का कटहल जो है क्या नाम है बिहार या UP में जो है इसका विक्रय किया जाता है, और चूँकि ये फसल यहाँ पे जो है क्या नाम है एक कॉमन फसल है। हर घर में आपको, हर किसी की बाड़ी में आपको जो है कटहल का पौधा जो है आपको मिलेगा, कटहल का और लीची का पौधा मिलेगा। तो यहाँ पे जो है कटहल की बहुत ही अच्छी खेती, वो बहुत ही अच्छा जो है इसकी फसल है और किसान इसका जो है भरपूर फायदा उठा रहा है। यहाँ पे जो है जशपुर ज़िले में 500 हेक्टेयर रकबे में जो है क्या नाम कटहल की फसल की खेती हो रही है, और इससे जो है 1100 से 1200 मीट्रिक टन का उत्पादन हो
उन्होंने बताया कि कटहल की भरपूर पैदावार को देखते हुए इसके लिए कुटीर उद्योग में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। कटहल के चिप्स और अचार तथा अन्य उत्पाद बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। क्षेत्र के किसानों का भी कहना है कि कटहल के बढ़ते मांग से उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। स्थानीय बाजार के अलावा दूसरे राज्यों से आ रही मांग में कटहल का मूल्य बढ़ा दिया है। किसानों का कहना है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बढ़ते हुए तापमान के कारण हीट वेव की स्थिति बन रही है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की ओर से शुष्क हवाएं चल रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि चक्रवात फेनी के कमजोर होकर दिशा बदलने से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं बहने लगी हैं। उधर प्रदेश में भी मौसम विभाग ने तापमान में लगातार तेजी को देखते हुए लू से सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी 24 घंटों के अनुसार प्रदेश में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पार कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक सबसे ज्यादा तापमान बिलासपुर में 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि 13 मई के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के आने से लू का प्रकोप कुछ दिनों के लिए शांत होने की संभावना है। इस बीच तेज गर्मी के कारण भू जल स्तर के नीचे जाने और पेयजल संकट के आसार भी बन गए हैं। रायगढ़ जिले में भू जल स्तर के नीचे जाने से गंभीर स्थिति निर्मित होने की बात कही जा रही है। जल संसाधन विभाग रायगढ़ के कार्यपालन अभियंता संजय सिंह ने बताया कि रबी की फसल की सिंचाई के लिए हैंडपंप का उपयोग बढ़ने के कारण 1180 पंप सूख चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन सभी बसाहटों में स्वच्छ पेयजल मुहैया करा रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जिले में अभी तक कुल 1180 हैंडपंप जो है भूजल स्तर गिरने या सूख जाने के कारण बंद हुए हैं, और इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है भरमकेला विकास खंड में। ग्रीष्म ऋतु में धान की खेती के कारण जो धान की सिंचाई होती है उसमें जो पावर पंप लगे हैं खेतों में, उससे सिंचाई से हमारे हैंडपंपों में जो वाटर लेवल नीचे गया है और हैंडपंप बंद हुए हैं। ऐसी कोई बसाहट नहीं जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़े। जहाँ पे हैंडपंप बंद हुए हैं वहाँ पहले से पावर पंप लगे हुए हैं, तो अब वहाँ पे सिंगल फेज पावर पंप के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है और सभी बसाहटों में अभी तक पर्याप्त पेयजल उपलब्ध है। रायगढ़ की तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी जल स्रोतों के सूखने या उनके जल स्तर में कमी की बात कही जा रही है। इस स्थिति के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। कांकेर के सरोना रेंज के ग्राम सांडा में भालू के हमले से दो लोगों की मौत हो गई, वहीं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक गढ़िया पहाड़ पर भालू के देखे जाने के बाद फायर वाचर ने बीट गार्ड को इसकी जानकारी दी। क्षेत्र के दो फायर वाचर भालू को देखने पहाड़ पर पहुंचे। भालू ने इन पर हमला कर दिया। इन दोनों को बचाने के लिए ग्रामीण आगे आए। इस हमले में फायर वाचर और एक ग्रामीण की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की मदद से दो अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम घटनास्थल का जायजा ले रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दंतेवाड़ा में आज सुरक्षा बल के जवानों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़, एक महिला माओवादी समेत दो माओवादी की मौत। रेलवे और आपूर्तिकर्ताओं के बीच तालमेल बढ़ाने रायपुर रेल मंडल में आज आपूर्तिकर्ता सम्मेलन का आयोजन। कोरबा में यातायात जागरूकता अभियान से लोगों को जोड़ने पुलिस कर रही गांधीगिरी, ठंडा पानी और बिस्किट खिलाकर यातायात नियमों के पालन का कर रही अपील। और बढ़ते हुए तापमान के कारण हीट वेव की स्थिति, प्रदेश में लू के हालात अलर्ट जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।